सो हाँ जी म्यूजिक टीम दिस साइड। तो जैसा कि आपको पता ही है कि दिलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला और करण औजला तीनों ने ही अपने अपने कॉन्सर्ट्स या यूं कह लो कि वर्ल्ड टूर की अनाउंसमेंट की हुई है। तो मैं आपको इस वीडियो में तीनों के ही शोज़ की कंट्री लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में शोज़ लगाने वाला है इस साल। और अगर इस वीडियो पे बढ़िया रिस्पांस देते हो आप लोग तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इन तीनों आर्टिस्ट्स के एक शो के टिकट का प्राइस क्या होता है, मतलब कि आप कितने पैसे दे के इनका शो अटेंड कर सकते हो, ये बताऊंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी स्टोरीज़ में मुझे टैग करके वीडियो शेयर कर देना। तो बिना वक्त गवाए आपको बताऊं तो दिलजीत दोसांझ का तो वर्ल्ड टूर स्टार्ट भी हो चुका है। गुरुग्राम और जालंधर में क्या शो हुआ था आपको पता ना हो तो बता दो कि गुरुग्राम वाले शो में दिलजीत ने तीन तीन ड्रेसेस चेंज की थी और जालंधर वाले शो में हेलीकॉप्टर से एंट्री की थी। तो आप भी समझ सकते हो दोसांझा वाले का क्रेज। तो दिलजीत भाई की वर्ल्ड टूर की कंट्री लिस्ट है यूएसए, कनाडा और अपना इंडिया। तो सिर्फ इन्हीं तीन कंट्रीज़ में ये बॉर्न टू साइन टूर है उनका, बट वो बात अलग है कि वो बाकी के देशों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अब बात करें सिद्धू मूसेवाला की तो उनके वर्ल्ड टूर का इंट्रो कल ही ड्रॉप किया गया है और इस वर्ल्ड टूर का नाम है बैक टू बिजनेस और उनके साथ में सनी माल्टन भी सारे शोज़ में दिखेंगे आपको। तो सिद्धू भाई के वर्ल्ड टूर की कंट्री लिस्ट है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, पाकिस्तान। तो फाइनली अब सिद्धू के पाकिस्तान के फैंस को भी शो अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो सिद्धू के इस वर्ल्ड टूर में टोटल 7 कंट्रीज होंगी। तो अब बात करते हैं करण औजला की। तो हाँ भाई, करण औजला के फैंस रेडी रहो। तो करण औजला के इस वर्ल्ड टूर का नाम है वे अहेड वर्ल्ड टूर और इसमें कंट्रीज है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, यूके और यूरोप और अपना इंडिया। तो यहाँ एक चीज़ बता दूँ आपको कि यूरोप का मतलब किसी सिर्फ एक कंट्री से नहीं है, बल्कि इसमें मिनिमम 4-5 कंट्रीज और ऐड कर लो तो करण औजला भी वर्ल्ड वाइड कितने ज़्यादा फेमस हैं आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि स्टोरी वगैरह लगा देना तो कर देना ये भी। और आपको इन आर्टिस्ट में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है कॉमेंट करके ज़रूर बताना और चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो कोई गल नहीं, दिल को मत दुखाना, वैसे कर ही देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।